मुरादाबाद में भगतपुर थाना क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रेलवे के अंडरपास में भरे पानी में एक बच्चा डूब गया, जिसे देखकर पास में मछली पकड़ रहे बच्चों ने शोर मचाया तो बच्चे के पिता ने ग्रामीणों की मदद से उसकी जान बचाई। दरअसल भगतपुर थाना क्षेत्र के विलावाला गांव में कुछ बच्चे कांटे डालकर मछलियां पकड़ रहे थे। इस दौरान अचानक 12 वर्षीय बिलाल नाम का एक बच्चा पैर फिसलने से पानी में गिरकर डूबने लगा, जिसे देखते ही बच्चों ने शोर मचाया तो पास में ही चारा काट रहे पिता ने दौड़कर ग्रामीणों की मदद से अपने बच्चे की बड़ी मुश्किल से जान बचाई। वहीं बच्चे के डूबने की खबर के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और दौड़ते हुए पूरा गांव अंडरपास पर जमा हो गया। इसके साथ ही ग्राम प्रधान समेत बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने रेलवे के अंडरपास में पानी भर जाने के विरोध में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों का कहना था कि 23C कहलाने वाले रेलवे का यह अंडरपास वाला मार्ग दर्जनों गांवों को जोड़ता है, लेकिन अंडरपास में करीब 100 फीट तक पानी भरा हुआ है, जो हादसे को दावत दे रहा है। ग्राम प्रधान सोमपाल सिंह का कहना है कि इसको लेकर कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यही वजह है कि आए दिन यहाँ हादसे होते रहते हैं। ग्रामीणों के मुताबिक रेलवे द्वारा 23C पर अंडरपास बनवाया गया था तो उसने 24C जो कि पुराना रास्ता उसे बंद कर दिया था। ग्रामीणों के मुताबिक अगर रेलवे का 24C खोल दिया जाए तो उनकी समस्या का समाधान हो जाए, क्योंकि 23C पर हमेशा जलभराव रहता है, जिसकी वजह से मार्ग पूरी तरह से बंद रहता है। ये जो 23 अंडर पास है, जब ये बन गया था तब भी हमने रेलवे वालों से, इन लोगों से काफी प्रयास किया कि भाई हमारे निकलने का जो रास्ता है, ये जो निकलने का रास्ता जो है ये हमारा सही हो जाना चाहिए। तो उन्होंने उस समय हमसे ये वायदा किया था कि हमारा जो इससे उत्तर की साइड में 24C जो है इसको हम खुला रहने देंगे। जब ये इन्होंने इसको बनवा लिया और बनवाने के बाद में जब यहाँ पर पानी भरा, पानी भरने के बाद में यहाँ पर काफ़ी लड़के बच्चे डूबे डाबे, और उसके बाद में इन्होंने हमारा ये जो 24C अंडर पास है वो रास्ता भी बंद करके उसको भी काट दिया। अब हमारे गांव का कोई भी सुचारू रास्ता ऐसा नहीं है कि जब हम गांव से बाहर जा सकें, और हमारे कम से कम सब खेती का कारोबार जो है इसी बाईपास से होकर, इसी अंडरपास से होकर जाता है, और कम से कम हमारे गांव की 100 बीघे जमीन इस अंडरपास से, उसमें इतना फसल का नुकसान है कि उसमें कोई भी फसल पैदा नहीं हो पाती, और हम कभी भी अपना कोई भी, अब इस समय चारे की इतनी दिक्कत है कि हमारे यहाँ के जो भी लेडीजें हैं या हम चारा लेने के लिए जाते हैं तो रेलवे लाइन पर खड़े होके, और जब गड्डियों से उस चारे को हम जो है पार होते हैं, कभी भी स्थिति में कभी भी रेलवे लाइन से भी, रेल के द्वारा भी जो है हमारे यहाँ कोई भी हादसा हो सकता है। हाँ, आज एक बच्चा जो है यहाँ पर उधर से आ रहा था और वो बच्चा इसमें डूब गया, और गांव में जब पता चला, गांव से भाग के नजदीक लोगों ने, और हम भी गांव के प्रधान और हम लोग मौके पे पहुंच के हमने उस बच्चे की जान बचाई। यहाँ पर आए दिन हादसे होते रहते हैं, पहले भी कई ट्रैक्टर वाले, ट्रैक्टर डूब गया, एक ड्राइवर को हमने बड़ी मेहनत से निकाला। अब सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जब तक ये हमारा 23C का ये जो है इसका सुचारू रूप से इसका कार्य सही नहीं किया जाए, जब तक हमारा 24C जो है वो हमारा निकालने के लिए खोल दिया जाए। ये ग्राम बिलावाला है, मैं ग्राम प्रधान हूँ ग्राम पंचायत बिलावाले का। आज क्या घटना घटी है यहाँ पर? आज यहाँ पर एक बच्चा डूबा है, ये 23C अंडर पास बना हुआ है रेलवे का, इज्जत नगर बरेली के अंडर आता है 23C, इसमें एक बच्चा डूबा था, पानी भरा हुआ इसमें 11-12 फुट। इसके अलावा भी कोई मुख्य रास्ता है क्या? इसके अलावा एक मुख्य रास्ता था, ये मतलब दो अंडर पास थे 23C और 24C, तो ये 23C पे इन्होंने अंडर पास बना दिया रेलवे वालों ने, 24C इन्होंने काट दिया, JCB से काट के बंद कर दिया, तो इसके अलावा वही मुख्य रास्ता था वो इन्होंने बंद कर दिया रेलवे वालों ने। अब जैसे कि कुछ ग्रामीणों का यहाँ पे कहना है कि स्कूल कई सारे हैं इधर, तो बच्चे कैसे आते हैं? 10-12 गांव के लोग, 6-7 स्कूल हैं। अब इधर आगे काला झांडा, निंदपुर, भवनपुर, बड़ेपुरा, कुकर झुंडी, टाह मदन, ये सब गांवों के जो बच्चे आते हैं तो वो लोग उधर से बाइकों से अपने बच्चों को यहाँ पहुँचाते हैं, और यहाँ इस साइड में जो है सवारी आती हैं, बसें आती हैं स्कूलों की, तो वो रेल पटरी के ऊपर होकर वो बच्चों को इधर पहुँचाते हैं, जब इधर से फिर बस से बच्चे जाते हैं, हाँ, जान जोखिम में डाल के रेलवे लाइन के ऊपर से बच्चों को लेकर आते हैं, तब इधर बैठाते हैं। ये सुबह का रूटीन है, और स्कूल की छुट्टी होती है तो उस समय का भी यही रूटीन है, इसी तरह से करते हैं। अब सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं? सरकार से हमारी यही अपील है कि अब जैसे ही अंडर पास बना दिया, इसमें पानी भरा हुआ है,
ये करीब 2 महीने हो गए पानी सूख ही नहीं रहा, इसका नीचे से आता रहता है, पंपी इंजन पंपी से उलझते हैं फिर नीचे से पानी आ जाता है इतना। तो एक हमारा 24C इन्होंने बंद कर रखा रेलवे वालों ने, तो 24C की हमने काफ़ी दिनों से हम मांग भी कर रहे हैं 24C हमारा खोल दिया जाए यथास्थिति जैसे पहले था, लेकिन ये अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इज्जत नगर बरेली DR एम साहब को भी हमने कई बार लेटर दिए हैं और DM साहब को भी, और एक लेटर हमने प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी के माध्यम से रेल मंत्री दिल्ली सरकार को भेजा है, तो अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। लेकिन हमारी मांग बार बार यही है कि ये तो बेकार हो गया, ये फेल है अंडरपास, हमारा 24C खोल दिया जाए और उससे जिससे कि हमारे 10 गांवों का सुचारू रूप से यातायात चालू हो सके। जैसे कि आज स्कूल में घटना हुई है, कि इससे पहले भी कभी घटना घटी है? कई बार घटना हुई है, इसमें कई बार बच्चे डूबे हैं, 1-2-3 बार इसमें जो है ट्रैक्टर डूब गए, ट्रैक्टर का ड्राइवर बहुत मरने से बचा, बिल्कुल जैसे तैसे बचाया था पिछली बार, कई इसमें हादसे कई हो रखे हैं, जब भी पानी भरता है 1-2 हादसे इसमें हो ही जाते हैं।